काफ़ी अपने करेक्टिव सिचुएशन में है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप, सभी में काफ़ी करेक्शंस आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मानसी आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में इस समय मिल रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। 40% से 55% तक की गिरावट हमें स्टॉक्स स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है। ऐसे में ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिलहाल मार्केट में स्टॉक प्राइस रोज करेक्ट हो रहे हैं, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक करेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं तो जिन स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उन पर नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगी वैसे वैसे स्टॉक प्राइसेस भी वापस आएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं 5th कंपनी से जो अराउंड 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। कंपनी का नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, या जिसे हम मोबीक्विक के नाम से भी जानते हैं, जो एक बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 1st नवंबर 2021 को ₹1300 पर शेयर था और 7th मार्च 2022 को हो गया ₹785 पर शेयर। प्राइस में परसेंटेज चेंज आया अराउंड 40% का। 4th पर है स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, जो एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसका प्राइस पहले ₹1790 था और अब मार्केट करेक्शन के टाइम पर हो गया ₹1010 पर शेयर पर, चेंज आया अराउंड 44% का। 3rd नंबर पर है फार्मीजी, जो एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म है। इस कंपनी का शेयर प्राइस नवंबर 2021 में था ₹140 और 7th मार्च को ट्रेड हो रहा था ₹75 पर शेयर पर, परसेंटेज चेंज आया अराउंड 46% का। दूसरे नंबर पर है MKCL यानी महाराष्ट्र नॉलेज ऑफ कॉरपोरेशन, जो एक वेब बेस्ड कोलैबोरेटिव ई लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका प्राइस ₹820 चल रहा था नवंबर में, मार्च में हुआ ₹430 पर शेयर पर, चेंज आया अराउंड 48% का। पहले नंबर पर है फिनो पेटेक लिमिटेड, जो बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस नवंबर 2021 में चल रहा था ₹450 पर शेयर पर और करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹205 पर शेयर पर, परसेंटेज चेंज हुआ अराउंड 55% का। इन सभी कंपनीज के शेयर प्राइस पर जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट या कंपनीज पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये चेंजेस हम बोल सकते हैं जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इकोनॉमी या मार्केट पर अफेक्ट दिखा है, उसके कारण मार्केट या कमोडिटी प्राइसेस पर चेंज होता नजर आ रहा है। ऐसे में एक अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स को कि वो अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐड करें या मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करें। अभी जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए उनमें एक चीज कॉमन है, ये सभी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी करेक्टेड प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो में कुछ एडिशन चाह रहे हैं तो ये वीडियो पूरी तरह आप लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगा हो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड आपको आगे के 15 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। जैसे फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, जहां कंपनी के शेयर प्राइस में अराउंड 33% का डिस्काउंट नोटिस हुआ। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का शेयर प्राइस अवेलेबल है अराउंड 21% के डिस्काउंटेड प्राइस पर। लावा मोबाइल अवेलेबल है अराउंड 19% के डिस्काउंटेड प्राइस पर। रिलायंस रिटेल अराउंड 14% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। ऐसे ही 15 स्टॉक्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी जो अपने हाई प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है और जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पास ये शेयर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।